दोस्तों अच्छा म्यूजिक आपके मूड को रिलैक्स कर सकता है, आपको कितनी भी टेंशन में रिलीफ दे सकता है। और अच्छे म्यूजिक को सुनने के लिए आपको चाहिए कमाल के ईयरफोन। तो आज की वीडियो में मैंने पूरा रिसर्च करके मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ईयरफोन्स जो कि 1000 रुपये की प्राइस में आते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी साथ में बेस्ट स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करेंगे नंबर 5 से ताकि आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। तो दोस्तों नंबर 5 पे है वन मोर पिस्टन फिट ईयरफोन्स जो कि आपको 999 रुपये की प्राइस पे मिल जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही अच्छा डिजाइन, साथ में ये जो ईयरफोन्स है वो बिल्कुल लाइट वेट है, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों मैंने इसे पर्सनली यूज किया है और यहाँ पर आपको बिल्कुल रिच बेस मिलता है, साथ में जो साउंड है वो बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प है। एंड दोस्तों साथ में यहाँ पर आपको इनलाइन माइक कंट्रोल मिल जाता है, तो वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके साथ ही दोस्तों वन मोर पिस्टन फिट की जो माइक क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और आपको कॉल्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1000 रुपये के अंदर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है JBL की तरफ से C200SI। एंड दोस्तों यहां पर आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो ईयरफोन है वो आपको वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ में आता है, यहां पर आपको पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है और JBL का सिग्नेचर साउंड जो कि काफी कमाल का है। यहां पर आपको बैलेंस बेस मिलता है, जो ट्रिबल है वो भी ऑन पॉइंट है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो ईयरफोन्स है वो बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ में आते हैं, बहुत ही लाइट वेट है और यहां पर आपको कमाल की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक म्यूजिक लवर हो और आपको ज्यादा बेस पसंद है तो JBL के ये ईयरफोन्स आपके लिए कमाल की पिक रहेंगे, आप इसे जरूर से चेकआउट कीजिए। तीसरे नंबर पे आते हैं Realme के Buds 2 ईयरफोन्स। एंड दोस्तों यहां पर आपको मिलता है 11.2 mm का डायनेमिक ड्राइवर जो कि काफी कमाल की साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलता है और साथ में ट्रिबल की क्वालिटी भी अच्छी है। दोस्तों साउंड क्वालिटी तो अच्छी है ही, लेकिन जो इनलाइन माइक है उससे आपको कॉल्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। मैंने इन्हें यूज किया और मुझे इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद आई है। इसके साथ ही Realme Buds 2 में आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स वाला डिजाइन मिलता है जो कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बहुत सारी सिचुएशंस में। साथ में यहां पर आपको टैंगल फ्री केबल डिजाइन मिलता है और केबल ऑर्गेनाइजर भी। तो दोस्तों Realme Buds 2 अप्रोक्स 600 रुपये की प्राइस में आ जाते हैं और इन्हें आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो अगर आपका बजट कम है और वहां पे भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन चाहिए। अब दोस्तों हमारे जो टॉप 2 ईयरफोन्स हैं वो बहुत ही कमाल फीचर्स के साथ में आते हैं। एंड नंबर 2 पे है सोनी की तरफ से MDR-EX155AP। अब दोस्तों ये अकेला ऐसा ईयरफोन है जिसे आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको मिलता है स्मार्ट की ऐप जहां से आप इस ईयरफोन के माइक वाले जो बटन से 3 जो बटन होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफी कमाल की बात है। और यहां पर आपको मिलती है सोनी के सिग्नेचर साउंड क्वालिटी, यानी बहुत ही बैलेंस साउंड और बहुत ही क्रिस्प साउंड। तो अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो डेफिनेटली सोनी की साउंड क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। साथ में आपको 9 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ईयरफोन का डिजाइन काफी अच्छा है और ये लाइट वेट भी है। तो दोस्तों सोनी के इन ईयरफोन्स को आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है 1000 रुपये के अंदर। एंड दोस्तों फाइनली नंबर 1 पे है MI की तरफ से डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। आपको बास तो कमाल का मिलता ही है, लेकिन ट्रिबल भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स वाला डिजाइन मिल जाता है जो कि आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों इन ईयरफोन्स की सबसे खास बात, यहाँ पर आपको पैसिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, तो अगर आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एनवायरमेंट में ईयरफोन्स को यूज करते हो तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही ईयरफोन्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छा बिल्ड मटेरियल आपको देखने को मिलता है और केबल क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो इन ईयरफोन्स को आप जरूर से ट्राई कीजिए अगर आप 1000 रुपये के अंदर एक कमाल का ईयरफोन ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों ये थे वो 5 ईयरफोन्स जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 1000 रुपये के अंदर काफी कमाल के हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और ईयरफोन है जो कि यहाँ पर होना चाहिए हमारी इस लिस्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहीं पर खत्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको इससे अपने ईयरफोन्स को चुनने में थोड़ी सी हेल्प तो मिल ही गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और कमाल की लेटेस्ट टेक वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड दोस्तों इन सारे ईयरफोन्स के जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।